डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरसीसी ड्राइंग में लैप ज्वाइंट, डेवलपमेंट लेंथ, रिंग और हुक की ड्राइंग। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर, लैप ज्वाइंट, डेवलपमेंट लेंथ और रिंग और हुक की ड्राइंग बता दीजिए, मीन्स बार बेंडिंग शेड्यूल। कई लोगों का कमेंट था कि सर, बार बेंडिंग शेड्यूल की ड्राइंग बता दीजिए। तो उसमें आपकी यही चीज़ें आती हैं, लैप ज्वाइंट कैसा होता है उसके बारे में आपको जानना होता है, डेवलपमेंट लेंथ, रिंग और हुक, तो इन सबों की ड्राइंग बताएंगे हम आपको। तो आइए फटाफट बताते हैं। और उससे पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए फटाफट मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा लैप ज्वाइंट की ड्राइंग। किसकी? लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट तो ये होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। लैप ज्वाइंट होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो लैप ज्वाइंट एक बार है, ये देखिए एक बार है, और इसके ऊपर दूसरी बार को जब ओवरलैप करके इस प्रकार से, और जो आपकी 1 mm की वायर होती है या 2 mm की, जिसको दो सूत तार बोलते हैं, उससे अगर हम इसको बांध देते हैं तो इसी को हम लोग लैप ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। वेल्डिंग भी की जाती है। अगर 36 mm डायमीटर से अधिक का कोई बार हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं यहाँ पे लैप ज्वाइंट में ही। उससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, बांध देते हैं इसको। तो हम लोग बात कर रहे हैं लैप ज्वाइंट की, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको बांध देते हैं दोनों बार्स को। ओवरलैपिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि लैप क्या होता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरे का लैप होना, चढ़ना। सेम वैसे ही होता है बार्स में, जो बार्स होती हैं वो क्या होती हैं, लैप ज्वाइंट में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं। और ये होता कब है, जब कोई स्लैब या बीम हम बना रहे हैं और उसका जो स्पैन है वो 12 मीटर से अधिक है। किसी स्लैब या बीम का जो स्पैन है वो 12 मीटर से अधिक है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक जो आपकी लेंथ होती है बार की वो 12 मीटर होती है, 12 मीटर से अधिक बार की लेंथ नहीं होती है। और अगर हमारा स्पैन जो है किसी बीम या किसी आपके स्लैब का वो 12 मीटर से क्या है, अधिक है, मान लीजिए 15 मीटर है स्पैन, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक बार ये 12 मीटर की तो लंबी पूरी लगेगी और उसमें इसके ऊपर हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये 3 मीटर की एक और लगानी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे ये लैप होगी, यानी कि इसके ऊपर चढ़ेगी, ये यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगी, इस तरीके से चढ़ेगी, तो इसी को हम लोग लैपिंग बोलते हैं। तो ये जो लैप होती है ये कितनी लैप होती है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये आपकी जो लैप होती है यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक, ये आपकी कितनी होती है, 40D से 45D के बराबर होती है लैप। तो इसी की ड्राइंग बनानी है, तो आइए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्केल ले लेंगे हम लोग 1:10 की, कितने की, 1:10 की स्केल पे। और जो डायामीटर है वो हमने ले लिया है, छड़ का व्यास 10 mm ले लिया है। तो आइए इसी पे हम लोग ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, इस ड्राइंग को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए तो स्केल पर चेंज करेंगे। जो व्यास है, डायमीटर है, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 mm है और 10 की स्केल है, तो 1 mm के बराबर आ जाएगा। तो ये 1 mm के बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ये जो आपकी बार है ये 1 mm की खींच लेंगे इस प्रकार से, ये। उसके बाद हमने अभी आपको बताया था कि जो बार होती है वो 40 लैप कितनी होती है, 40 to 45D। तो मान लेते हैं 40 ही, तो 40D का मतलब क्या, कितना हो गया, लैप होगी 40D, तो इसका मतलब कितना हो गया, 40, ये आपको दिख रहा होगा 40, और D का मतलब हो गया इनटू, D की वैल्यू कितनी है, यानी कि डायमीटर 10 है, तो ये आपका 400 mm हो गया। और इसको 10 के स्केल पर चेंज कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे 10 से,
तो ये आपका 40 mm आ गया। कितना आ गया? 40 mm। सबसे पहले हमने क्या किया, 40D किया, 40 × D के हमें 10 है, और उसके बाद फिर हमने उसको क्या किया, 10 के स्केल से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका कितना आ गया, 40 mm, यानी कि 4 cm। तो ये कितनी लैप होगी इसके ऊपर दूसरी वाली, 4 cm के बराबर ओवरलैप होगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, और इसके ऊपर दूसरी वाली को हम लोग ये 4 cm क्या कर लेंगे, ओवरलैप करा लेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से ओवरलैप करा लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, यहां पे जो दो सूतिया आपका तार होता है उससे इसको क्या कर देंगे, यहां पे बाइंड कर देंगे, बांध देंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इसको बांध देंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है, लैप ज्वाइंट हो जाता है। ये जो लैपिंग है ये कितनी है, यहां से लेके यहां तक ये कितनी है, तो ये 40D to 45D के बराबर है। यही है आपका लैप ज्वाइंट, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये आपका जो है, ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, डायमीटर है, डी मोटाई है किसकी, छड़ की। और ये आपकी पहली छड़ है और ये आपकी दूसरी छड़ है, एक दूसरे पे क्या हुई है, दोनों ओवरलैप हुई है। इस प्रकार से आपका लैप ज्वाइंट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, ये डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। जो दूसरा है आपका वो क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। अब ये क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, किसी आरसीसी में दो मटेरियल्स होते हैं, एक होता है आपका कंक्रीट, एक क्या होता है कंक्रीट, और दूसरा होता है रिइंफोर्समेंट बार। रिइंफोर्समेंट बार इन दोनों से मिलकर बनती है, यानी कि कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट का प्रबलन कर देते हैं, बार्स का प्रबलन कर देते हैं, तो उसको हम लोग आरसीसी बोलते हैं। तो किसी स्लैब में या किसी बीम में या किसी कॉलम में जो बार होती है उसकी लंबाई कितनी रखी जाए, जैसे मान लीजिए कॉलम है और इसमें ये इस तरीके से इधर जो आ रही है आपकी स्लैब की, ये स्लैब से होती हुई ये आपकी बार आ रही है, तो इसको कितना इसमें रखा जाए, ये जो आपके कॉलम है इसमें इसको कितना रखा जाए। तो यहां से लेके यहां तक ये जो आपकी लेंथ होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, LD बोलते हैं, इसी को हम लोग LD बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ये जो बार आ रही है इस कॉलम में यहां से लेके यहां तक जितनी ये प्रोवाइड की जाती है इसी को हम लोग LD डेवलपमेंट लेंथ के नाम से जानते हैं। तो उसकी ड्राइंग बनानी है हम लोगों को, तो आइए बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, सपोज कीजिए ये आपका, मैं फ्री हैंड ही बना रहा हूं, आपको भी फ्री हैंड ऐसे ही बना देना है। ये आपका एक क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है, इसमें हमको क्या करना है, बार को प्रोवाइड करना है। तो वो कितना करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो LD का मान एक होता है LD इक्वल टू 31D से 55D के बराबर। कितना, 31D से 55D के बराबर होता है। और दूसरा होता है आपका LD की वैल्यू, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ 32 से 56D के बराबर। ये किसके लिए होता है, तो ये होता है FI 250 के लिए। कितने के लिए, सॉरी मैं 250 को कुछ और लिख दिया हूँ, ये FI 250 है। और ये किसके लिए होता है, तो ये FI 415 के लिए होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मान लेते हैं कि FI 250 के लिए कोई ये डेवलपमेंट लेंथ है आपकी, तो 31D के बराबर होगी। 31D का मतलब कितना हो गया, 31D 31 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
10, तो ये आपका 310 mm आ गया, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ कितनी होगी 310 mm, यानी कि कंक्रीट में जो बार जाएगी वो कितनी जाएगी, तो 310 mm। और इसको स्केल पर चेंज कर देंगे, यानी कि 10 की स्केल हमने लिया तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 31 mm आ जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक। तो ये आप इसको क्या कर देंगे, ये 31 mm इस तरीके से हम लोग बार को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं इस तरीके से। इधर हमें नहीं पता है जो बार है उसकी लंबाई इधर, लेकिन इधर हमें पता है कि ये कितनी गई सीमेंट कंक्रीट में कितनी गई, तो ये यहां से लेके यहां तक कितनी गई, ये आपकी 31D से 55D के बीच, हमने 31 ही मान लिया है, आप 32 भी मान सकते हैं, 35 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आइए इसकी जो भी डायमेंशनिंग है उसको कर लेते हैं। ये आपका रिइंफोर्समेंट बार है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डेवलपमेंट लेंथ और लैप ज्वाइंट की जो ड्राइंग है वो बता दी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा तीसरी जो रिंग है और हुक है। तो रिंग से पहले मैं आपको हुक के बारे में बताऊंगा कि हुक बनता कैसे है, तो आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तीसरा आपका है हुक। तो हुक से पहले हम लोग थोड़ा सा बार्स को जान लेंगे, जो बेंट अप बार्स होती हैं, कैसे बेंट होती हैं, जो बार कैसे बेंट होती हैं। तो एक 45 डिग्री एंगल पे बेंट होती है, जिसको मैंने आपको बार बार बताया है। 45 डिग्री एंगल पे बार को बेंट करने का मैंने बताया है आपको किसमें, बीम और स्लैब में। तो उसको मैं आपको बता दूं 45 डिग्री एंगल पे कैसे हम लोग बेंट करेंगे किसी बार को। तो आइए चलते हैं, मैं उसको बताता हूं आपको। उसके लिए जो स्केल लेंगे वो हम लोग ले लेंगे 1:5 की। 1:5 के स्केल पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, 1:5 के स्केल की बात करेंगे तो उस पे जो आपका डायमीटर होगा 10 mm, इसको अगर स्केल पर चेंज करेंगे 5 के, ध्यान रहे मैंने डेवलपमेंट लेंथ और लैप ज्वाइंट के लिए जो स्केल लिया था 1:10 का लिया था, इसके लिए भी जो स्केल लिया था डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी 1:10 का, लेकिन अब जो हुक के लिए लूंगा वो कितने का, 1:5 का। तो 1:5 के स्केल पे हम लोग इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा, जो डायमीटर है वो 10/5 विल बी इक्वल टू 2 mm। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, 2 mm के बराबर इसकी जो लेंथ है इसको हम लोग खींच देंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ इस प्रकार से। ये 2 mm इसकी हम लोग लेंथ इस तरीके से खींच देंगे, जो बार है इस तरीके से, यहां पे इसको हम लोग इस प्रकार से घुमा देंगे। अब क्या करेंगे, इस साइड से 45 डिग्री एंगल पे MD को घुमाते हैं। देखिए 45 डिग्री एंगल पे मैं क्या करूंगा, MD को घुमाऊंगा, कितने पे, 45 पे, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे क्या कर लिया है, MD को मूव करा लिया है। और इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच देंगे, इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये बेंट हो गई, ये क्या हो गई, हमारी जो बार है ये बेंट हो गई ये। लेकिन अब ध्यान का देना है कि कितना बेंट होगी और इसकी लंबाई कितनी होगी यहां से यहां तक। तो आपको याद होगा मैंने जो आपको स्लैब बताया था, स्लैब की जो थिकनेस 150 mm हमने बताया था, क्या करते हैं 150 mm मैंने आपको बताया था स्लैब की थिकनेस 150 mm, उसी में हमारी बेंटअप बार लगती थी, लेकिन ऊपर से भी कवर और नीचे से भी कवर छूटता था। मैं आपको बता दूं ये जो आपकी ये जो आपकी स्लैब हुआ करती थी, इसमें जब बार बेंट होती थी कुछ इस प्रकार से, आपको याद आ रहा होगा, तो बेंट इतनी ही होती थी, इसकी हाइट यहां से लेके यहां तक हुआ करती थी, यानी कि इधर से भी कवर हम लोग कितना छोड़ देते थे 25, और इधर से भी कवर कितना छोड़ देते थे 25। टोटल हमारी 150 mm होती थी जो इसकी डेप्थ थी स्लैब की, लेकिन इसमें 25 इधर से भी छोड़ दिया और 25 इधर से भी, तो 25 और 25 50 हमने छोड़ दिया, 100
इसमें से डिडक्ट कर देंगे 50 mm, तो हमारा या सॉरी 150 में से 50 डिडक्ट कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 100 mm आ गया। कितना आ गया, 100 mm ये हमारा आ गया। तो 100 mm ही इसकी हाइट जाएगी, 100 mm को स्केल पर चेंज कर लेंगे, जितना आएगा उतना इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो आइए समझ में आ गया होगा आपको, 100 डिवाइड कर देंगे, 5 का स्केल है तो 5 से, तो ये हमारा कितना आ गया, 20 mm आ गया। 20 mm यानी कि 2 cm। तो यहां से कितना ऊपर जाएंगे, यहां से आप 2 cm ऊपर क्या कर लेंगे, एक पॉइंट बना लेंगे ये इस प्रकार से, या फिर कह सकते हैं इसको इस तरीके से पेंसिल से इस तरीके से खींच सकते हैं, और इसको यहीं तक ले जाके हम लोग क्या कर देंगे, इसको बिल्कुल यहीं तक ले जाके मिला देंगे ये। और यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, ये इसको इस तरीके से इस बार को बेंड कर देते हैं। अब दूसरा क्या है, इसको यहाँ पे मूव कराना पड़ता है। ये कितनी घूमी है, ये जो बार है आपकी यहां से 45 डिग्री एंगल पे घूमी है, कितने पे, इस साइड से कितने पे, मैं आपको बता दूं, ये 45 डिग्री एंगल पे ये क्या हुई है, मूव हुई है, ये जो बार है ये बेंट अप बार है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको, ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं इसको थोड़ा सही करना होता है। तो 45 डिग्री एंगल पे इसको बिल्कुल क्या करने के लिए, सही करने के लिए, इसको मूव कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1D यानी कि जो डायमीटर होता है उसके बराबर, ये यहाँ से 1D लेके रेडियस और उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। कितने रेडियस पे, 1D के रेडियस पे। तो आइए इसको मिला देते हैं। तो 1D रेडियस पे मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर खींच देते हैं या इसका बीचों बिल्कुल बीचों बीच वाला सेंटर लेते हैं, इन दोनों, ये जो डायमीटर है इसका बिल्कुल आधा लेते हैं। तो ये बिल्कुल इसका आधा मैं फ्री हैंड ही खींच दे रहा हूँ, ये इस प्रकार से इसका मैंने सेंटर आपको दिख रहा है खींच दिया है, और इसका भी मैंने सेंटर इस प्रकार से खींच दिया है, ये जहां पे मिल रही है। अब क्या करते हैं, यहां से 1D के बराबर, 1D के बराबर क्या करते हैं, 1D का मतलब 10 mm, 1 × D का वैल्यू आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10 को स्केल पे चेंज करेंगे 5 के तो 2 mm आ जाएगा, 5 का स्केल है तो 5 पे चेंज करेंगे तो 2 mm, यानी कि यहां से 2 mm इस साइड में, राइट साइड में जाएंगे, 2 mm राइट साइड में जाएंगे, और 2 mm राइट साइड में जाके यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे, और फिर यहाँ से 2 mm ऊपर भी जाएंगे, क्या करेंगे, 2 mm ऊपर भी जाएंगे। तो यहाँ से जितना आएगा 2 mm ऊपर हम लोग जाएंगे, तो ये लगभग आपका आ जाएगा कितना, 2 mm ऊपर गए और 2 mm लेफ्ट, यहाँ से 2 mm इस साइड में गए और यहाँ से 2 mm कहाँ गए, ऊपर गए इस प्रकार से। और ये जहाँ पे आता है ये देखिए, यहाँ से हम लोग क्या गए, 2 mm इस साइड में गए ऊपर, और ये यहाँ से 2 mm इस साइड में गए, और इसी को हमने क्या किया, इस तरीके से मिला लिया, इसको हमने क्या किया इस तरीके से, सॉरी, ये 2 mm ऊपर जाने के बाद इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मिला लिया, और इसको भी 2 mm ऊपर जाके हम लोग जहां ये मिलता है ये मिला लिए, 2 mm ऊपर और इसको जाके हमने मिला लिया। अब क्या करेंगे, इसी को प्रकार की सहायता से मूव करा देंगे। तो आइए मूव करा देते हैं, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं इस प्रकार से प्रकार को, और इसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से मूव करा देते हैं, फिर आगे वाले पे भी रख के इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से मूव करा देते हैं, और यही जो हमारी होती है यहां से लेके और यहां तक, ये इस प्रकार से यही हमारा होता है, कितना, डी के बराबर, कितने के बराबर, डी के बराबर। अब ये तो 45 हो गया, अब 90 डिग्री पे मूव कराना हो तो, और ये हमारा यहां से यहां तक कितना गया, ये इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये 6D के बराबर भी हो सकता है, ये जो लेंथ होगी आपकी मैं अभी आपको बता दूंगा, ये जो यहां से यहां तक की लेंथ होती है ये, ये 6D होती है, कितनी, 6D, या फिर ये कितना होता है, तो ये कैपिटल D होता है, ये
ये क्या होता है, ये कैपिटल डी होता है। और डी इक्वल टू क्या होता है, जो स्लैब है या फिर जो भी मान लीजिए स्लैब है, तो स्लैब की थिकनेस, थिकनेस स्लैब की जो होती है उसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, टू इंटू किसको घटा देते हैं, टू इंटू कवर को। स्लैब थिकनेस में से क्या कर देते हैं, टू इंटू कवर, इसको जब माइनस कर देते हैं तो यही हमारी डी की वैल्यू आ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे 45 के बाद 90 डिग्री एंगल पे कैसे हम लोग मूव कराते हैं। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगी और बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, 90 डिग्री एंगल पे आपको मूव कराना है तो उसके लिए क्या करेंगे। ये मैंने बताया कि 1d के बराबर होता है। अब दूसरा 90 डिग्री की हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है ज़्यादा, ये इस प्रकार से खींच लेंगे जो हमारा डायमीटर है 2 mm के बराबर आएगा, बार का डायमीटर। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये खींच लेंगे। उसके बाद यहां से 90 डिग्री पे हमको क्या करना है, मूव कराना है। तो सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 90 डिग्री पे यहां से मूव कर देते हैं, ये जो बार है कुछ इस तरीके से, ये आपको समझ में आ रहा है। ये मैंने क्या किया है, इसको 90 डिग्री पे मूव करा दिया। अब इसको कितना ऊपर ले जाना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको यहां से यहां तक कितना ले जाएंगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहां से यहां तक आप ले जाएंगे इसको 12d के बराबर। तो 12d का मतलब कितना हो गया, 12 इंटू डी की वैल्यू आपकी 10 है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आ गया। और स्केल हमारी 1:5 की है, तो 1:5 के स्केल पर हम चेंज कर देंगे, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना आ गया, 24 mm आ गया। कितना आ गया, 24 mm, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। तो इसको कितना ऊपर ले जाना है, 2.4 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाना है। ये देखिए लगभग मैंने 2.4 सेंटीमीटर ऊपर लेके गया भी है, ये देखिए अंदाज से ही चला गया। लेकिन आप ध्यान रखेंगे पहले इसको इतना ऊपर नहीं खींचना है, पहले आपको थोड़ा सा खींचना है, उसके बाद इसको क्या करना है, उतना ही खींचना है। लेकिन मेरा ऑलरेडी आ गया है कितना, 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका 24 mm के बराबर स्केल पर चेंज करने के बाद आया था, तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ये आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे मूव कराया जाता है इस बार को, चूंकि हम लोग बेंड करते हैं तो ये बिल्कुल कॉर्नर तो दिखता नहीं है, ये तो मूव होता है। तो ये मूव कितना होता है, वो 2d के बराबर होता है। ये कितने के बराबर, 2d के बराबर मूव होता है। यानी कि इसका सेंटर लेंगे, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, इसका एक सेंटर लाइन इसमें खींच देते हैं बिल्कुल इस प्रकार से, और इसमें भी एक सेंटर लाइन इस प्रकार से खींच देते हैं। अब क्या करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मान लीजिए कि इसके बीचों बीच एक लाइन है और इसके भी बीचों बीच। अब क्या करेंगे, इसके सेंटर से ये बिल्कुल यहां से क्या करते हैं, 2d यानी कि 20 mm। कितना, 2d यानी कि 20 mm, 2 इंटू डी की वैल्यू 10, 20 mm आ गया। स्केल पर चेंज करने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका 4 mm के बराबर आ गया। तो यहां से 4 mm क्या कर देते हैं, इस साइड में जाते हैं, लेफ्ट साइड में। और फिर यहां से 4 mm क्या कर देते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ। और इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लोग यहां से लाके मिला देते हैं, इसको भी लाके क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और जहां मिलता है वहीं पे क्या कर देते हैं, इस प्रकार से प्रकार को रख के हम लोग क्या कर देते हैं, इसको खींच देते हैं, ये इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, ये मूव हो जाती है। इसी पे रख के हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से मूव करा देते हैं। मेरी थोड़ी सी गंदी हो रही है लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ये। और यही हमारी क्या होती है, इतनी बेंट होती है, ये 2d के बराबर बेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि ये यहां से यहां तक कितनी होती है, ये यहां से लेकर और यहां तक ये कितना होता है आपका, तो ये होता है 12d के बराबर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।
और अपने दोस्तों के पास जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी जान सकें इसके बारे में। ये आपका 12D के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बता दिया कितना, ये 90 डिग्री, कितने पे ये 90 डिग्री पे आपका मूव किया है। ये तो बेंट अप बार है, इसके बारे में मैंने बताया था। अगर डबल बेंट अप बार के बारे में आए तो इस साइड में भी एक बना देंगे आप, ये 90 डिग्री हो गया। अब बताएंगे हुक के बारे में, एक्चुअल में जो जिसको हम लोग हुक बोलते हैं वो क्या होता है। जो हमारा हुक होता है वो 180 डिग्री पे झुका होता है। तो उसके लिए हम लोग जो लेते हैं, ये हमने अभी आपको बताया था कि ये 2D के बराबर हमने लिया था। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हुक के लिए हम लोग 90 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। और ये कैसे बनता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बार को यहाँ पे खींच लेंगे, इस प्रकार से बार को हमने खींच लिया। 2 mm स्केल पर चेंज करने पे आएगा, क्योंकि 10 mm का है, 5 की स्केल लिए हैं, तो ये इस प्रकार से आएगा। इसको हमने क्या किया, इस प्रकार से मूव करा दिया। अब क्या करेंगे, 180 करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आपको पता होगा 180 करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से 4D ऊपर जाना है। कितना, इसमें 2D था 90 में, तो 180 में डबल हो जाएगा। देखिए 45 डिग्री में यह हमारा कितना था, D था, 90 डिग्री में इसका डबल हो गया, 180 में भी इसका डबल हो जाएगा। तो 2D का डबल करेंगे तो 4D के बराबर हो जाएगा। 4D का मतलब कितना हो गया, 4D, 4 × D, D की वैल्यू कितनी है आपकी 10 mm, 40 mm आ गया। और इसको डिवाइड कर देंगे आपकी जो 5 की स्केल है उससे, 5 से, तो ये 8 mm आ गया। यानी कि 8 mm हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो ये हम 8 mm ऊपर चलते हैं इस प्रकार से, और जो बार है इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे। जो हमारी बार है इसको इस प्रकार से खींच लेंगे। फिर यहाँ से इस साइड में भी 4D जाएंगे, यानी कि 8 mm, इस साइड में भी 8 mm जाएंगे। और फिर बार को भी यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, खींच लेंगे 2 mm के बराबर, इस तरीके से ये। और यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग मिला देते हैं इसको। और इसके बिल्कुल सेंटर से, इसका जो सेंटर है ये, यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार से डॉटेड हम लोग खींच देते हैं। या फिर इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पॉइंट भी कर ले सकते हैं। और इसी पॉइंट पे क्या करते हैं हम लोग, अपने प्रकार को रखते हैं और इसको इस तरीके से क्या कर देते हैं, मूव करा देते हैं। सिंपली आप इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख के यहाँ पे इसको मूव करा देते हैं इस तरीके से ये। और फिर इसको यहाँ पे रख के इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से मूव करा देते हैं ये। यही आपका क्या हो जाता है, ये इस तरीके से जो मूव करा देते हैं आप, ये यही आपका 180 डिग्री पे ये बन जाती है आपकी बार, ये इस तरीके से। एक्चुअल में देखेंगे तो ये कैसी बनेगी, ये यहां से लेके यहां तक कितनी होती है, यहां से लेके यहां तक ये आपकी 4D, फिर यहां से लेके यहां तक ये भी कितना है 4D, यहां से लेके यहां तक ये भी कितना है, तो ये भी आपका 4D के बराबर है। और यही हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहां से लेके यहां तक ये भी कितना है, तो ये भी आपका 4D होता है। और यही 180 डिग्री बेंट बार होती है। एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुक। इसी को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, हुक होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हुक किसे कहते हैं या हुक क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट, इसमें जो ड्राइंग बची है वो किसकी है, रिंग की। रिंग मतलब स्टीरअप्स, रिंग। अभी मैंने आपको स्टीरअप्स बताया है इससे पहले बीम में, बीम में भी बताया है, कॉलम में भी बताया है कि स्टीरअप्स क्या होते हैं। रिंग का मतलब क्या हो गया, स्टीरअप्स। मैं इसकी ड्राइंग आपको बताऊंगा, तो आइए चलते हैं। तो आइए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, जो रिंग होते हैं, ये जो स्टीरअप्स होते हैं उसकी ड्राइंग। तो स्टीरअप्स क्या होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि स्टीरअप्स होते क्या हैं। तो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जब दो बार्स होती हैं ये इस तरीके से,
ये एक बार है, ये एक बार है, उसके बाद ये एक बार है और ये एक बार है। इनको जब ज्वाइंट करना होता है इस तरीके से, ये इनको बांधना होता है, तो ये बांधने के लिए, इन चारों बार्स को बांधने के लिए, ये जो रिंग है ये, इसी को हम लोग स्टीरअप्स बोलते हैं, ये जो रिंग है, तो ये जो रिंग बनता है ये भी किसी बार से बनता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी बार, ये यहां से स्टार्ट हुई तो यहां से आती है और फिर यहां आके क्या हो जाती है, बांध दी जाती है। कहने का मतलब, इसको जब इसको सामने से देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। तो अगर यहां से हम इस तरीके से इसको मोड़ के शुरू किए हैं, इस तरीके से ले जाना, तो ये क्या होती है, इस तरीके से आती है और यहाँ पे इस प्रकार से फिर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रिंग या स्टीरअप्स बोलते हैं, STRRUPS, ये स्टीरअप्स होते हैं। तो इसकी ड्राइंग हम लोगों को बनानी है, तो कुछ नहीं करना है। मैंने इसके पहले आपको 90 डिग्री बेंट भी बता दिया है और ये जो होते हैं 45 डिग्री बेंट भी बता दिया है, आपको इसी पे इसको बनाना है। मैं बता देता हूं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है वन लेज्ड, एक होता है वन लेज्ड और एक होता है टू लेज्ड, टू लेज्ड, टू लेज्ड। ये क्या होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मान लीजिए दो बार्स हैं, दो बार्स केवल हैं, एक बार ऊपर है और एक बार नीचे है किसी बीम में, तो उसको अगर बांधना हो तो आप कैसे बांधेंगे, आप उसको ऐसे इस तरीके से बांध देंगे, इस तरीके से वर्टिकल स्टीरअप की सहायता से। यानी कि इसकी ड्राइंग अगर सामने से, इसको अगर सामने से देख के बनाएंगे तो ये एक बार ये वाली हमको दिखाई देगी, दूसरी बार ये दिखाई देगी, और इसको बांधने के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से एक ये स्टीरअप्स या रिंग प्रोवाइड कर दिया। तो इसमें एक ही लेग, लेस्ड मीन्स होता है क्या, टांग, तो ये वर्टिकल एक ही हमें दिखाई दे रहे, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन लेस्ड बोलते हैं, वन लेस्ड। अब वैसे ही ये चार बार्स होती हैं, चार बार्स, तो इनको बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको बांधने के लिए इस तरीके का रिंग बनाते हैं, इस तरीके से, ये एक पहले से आई होती है। तो इसमें दो वर्टिकल, ये दो वर्टिकल लेस्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दो, टू लेग्ड। आई बात समझ में, वन लेग का मतलब क्या हो गया, दो बार्स हैं, इनको अगर हमें बांधना है तो एक वर्टिकल ये इस प्रकार से दिखाई देता है, इससे बांधते हैं, तो इसको वन लेस्ड, और इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू लेस्ड। जब चार बार्स होती हैं किसी बीम में, दो ऊपर दो नीचे, और उनको हमें क्या करना होता है, किसी छल्ले से, किसी रिंग से बांधना होता है, तो वो रिंग क्या कहलाता है, टू लेस्ड। वैसे ही मान लीजिए इस प्रकार से एक है, दो है, तीन है, चार है, और भी हैं इसमें, और भी लगी हैं, पांच है और ये एक लगी है, इसमें छह है, इस तरीके से अगर हो गई तब क्या करेंगे, तब इसको बांधना है। तो इसमें इस प्रकार से एक और हमें क्या करना होता है, इसको लगाना होता है, तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे चार लेस्ड हो जाते हैं। खैर उसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वन लेस्ड और टू लेस्ड के बारे में ही जानना है। तो मैंने आपको बता दिया, इसकी ड्राइंग भी बता देता हूँ, तो आइए फटाफट मैं ड्राइंग बता देता हूँ इसकी। यहाँ पे जो आपका रिंग है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ रिंग की ड्राइंग, ताकि आपको इधर उधर ध्यान न देना पड़े। ये मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा और इसी में आपको बता दूंगा, फ्री हैंड ही बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको क्या कर दिया है, पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है कि बेंट कैसे करना है और चीज़ों को कैसे बनाना है, तो उसके बारे में मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। ये एक बॉक्स है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ किस चीज़ के बारे में। तो चौथी जो है आपकी क्या है, रिंग के बारे में, रिंग या इसी को हम लोग स्टीरअप्स भी बोलते हैं, सीरअप्स भी। इसके लिए जो स्केल होगी, स्केल मैं 60 में लिख दे रहा हूं, स्केल होगी 1:5 की, इसके लिए भी हम लोग लेंगे, इसके लिए भी कितने की स्केल, 1:5 की। और कुछ नहीं करना है, मैं फ्री हैंड ही आपको बता देता हूं, आप बना लेंगे। क्या करना है आपको, अपने हिसाब से अज्यूम करना है डेटा को, क्या करना है अपने हिसाब से डेटा को अज्यूम करना है। अगर दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो अपने से ही क्या करना है, इसको अज्यूम करना है और इसको इस प्रकार से खींच लेना है। ये हमने डायमीटर खींच लिया है, जो बार है उसका, इस तरीके से,
ये इस तरीके से, और इसको यहाँ पे ला के क्या कर देंगे, ये इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद ध्यान देना है यहाँ पे आपको 45 में मोड़ना है, इसको क्या करना है 45 पे मोड़ना है। तो ये इस प्रकार से मैं फ्री हैंड ही मोड़ दे रहा हूँ, और आपको मैं बता चुका हूँ कि ये आपको कैसे मोड़ना है, ये इस तरीके से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टूलेस्ड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं टूलेस्ड। ये आपका रिंग है जो कि कैसा है टूलेस्ड है, इसमें एक ये हो गया लेग और दूसरा आपका ये हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं टू लेस्ड स्टीरअप्स, स्टीरअप्स बोलते हैं। वन लेस्ड में क्या होता है, एक यहां पे होता है बार और एक यहां पे होता है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं इस तरीके से ये बांध देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वन लेस्ड, वन लेस्ड स्टीरअप्स। ये आपका वन लेस्ड स्टीरअप होता है। एक्चुअली इसमें दो ही बार होती हैं, एक किसी बीम में ऊपर और एक नीचे, अगर इस प्रकार से कोई भी रखा गया हो उसको बनाना हो तो आपको इस तरीके से बनाना है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हुआ लेकिन आपकी पूरी ड्राइंग मैंने एक ही वीडियो में क्या कर दिया है, कवर कर दिया है, जो आपको दिखाई दे रही है ये कंप्लीट वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आपको ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।